मुझे लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हो या संजय राउत जी हो, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है और फिल्म सिटी बन रही है। उसको लेकर पूरा जो हमारा फिल्म जगत है वो बहुत उत्साहित है। जब जब वो कहीं जा रहे हैं, जिस तरह से वो आज मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम कलाकार, फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक उनसे मिलने आ रहे हैं। इसको देखकर ये घबरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में कि फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं, उसी ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम कब कह रहे हैं कि हम ले जा रहे हैं? हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, आदरणीय योगी जी एक व्यवस्था दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी है और उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं कि अच्छी फिल्में बनाकर वो देश की सेवा करें, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी वो देश के निर्माण में काम कर रहे हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था अच्छी दी है। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां पर प्रताड़ना है और यहां पर आजादी है, सुरक्षा है, साइट सीन्स है, सभी कुछ है प्रदेश में। उन्होंने कहा कि कोई यहाँ से ले जाने की बात करता है तो पहले योगी जी ये बताएं कि नोएडा फिल्म सिटी की अभी क्या हालत है। मुझे लगता है कि संजय राउत जी की हालत और शिवसेना की हालत, उद्धव ठाकरे की हालत देखकर यह माना जा सकता है कि हमारी फिल्म सिटी की हालत बहुत अच्छी हो गई है, जिस वजह से इन सब की हालत बहुत खराब है। संजय राउत जी, आप बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता हैं और हमेशा आपसे उम्मीद रहती है कि आप बहुत ही मेच्योर बातें करेंगे और आप बहुत गहरी बातों को सोच के, जहाँ पर पूज्य योगी महाराज की बात है उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं जैसे कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये वो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 1,000 एकड़ की ज़मीन पे काम शुरू हो गया और आप चिंता ना करें, पूरी इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री को हटाने की, शिफ्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नया रोजगार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और सिनमची सबसे ज़्यादा वहीं है, सिनेमा देखने वाले हैं, उनके लिए रोजगार, वहाँ के बच्चों के लिए रोजगार, हिंदी भाषियों के लिए रोजगार, एक भव्य फिल्म स्टूडियो, फिल्म सिटी मुंबई का 500 एकड़ में वो 1,000 एकड़ में, एक ऐतिहासिक, जहां पे आपको भी गर्व होगा, आपका भी स्वागत है, हम आपको न्योता देते हैं, आप भी आइए। वहां पे मराठी फिल्मों के लिए भी न्योता है, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है, हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं। राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए, हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर आ पाएँ और हम लोग सब साथ रहें। ये इंडस्ट्री, चूंकि लार्जेस्ट फिल्म, आपको पहली बात एक बता दूं, मैं 650 फिल्म किया हूँ, वी आर द लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हम लोगों को बड़ी जगह चाहिए, हमको ज़्यादा सिनेमा बनाना चाहिए, जिस तरह चाइना है, उस तरह से एक सोच बड़ी होगी कि एक भव्य स्टूडियो होगा, मुंबई भी उसका एक रहेगा, लेकिन ये मुंबई का एक बड़ा एक्सटेंशन होगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, एक बड़ा एयरपोर्ट जिसको कहते हैं ना इंटरनेशनल मैसिव एयरपोर्ट, उसी तरह एक फिल्म स्टूडियो होगा। इसके अंतर्गत आप अंदर आएंगे, गेट खुलेगा, यू पूरी फिल्म खत्म करिए और आप बाहर जाइए। रामोजी उसका छोटा स्ट्रक्चर है, ये उसका लार्जर देन लाइफ का हम लोग एक स्ट्रक्चर सोचे हैं संजय जी, तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट, हम लोग बहुत सीरियस हैं इसको लगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।